आप देख रहे हैं TNB। आपके हिसाब से देश में भ्रष्टाचार है या नहीं, सबसे पहला सवाल। वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा हिंदुस्तान से। अच्छा। 2000 का नोट देखे कितना टाइम हो गया? मैंने तो आज तक नोट देखा ही नहीं है। 2000 का नोट सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी गड्डी आदमी जेब में डालिए समझ नहीं पाते। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो 2000 के नोट जो है उन्हें बंद करना होगा, कितना सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमत रखता हूँ, बड़े नोटों की मार्केट में जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिजिटल करेंसी चल रही है। भाजपा के एक सांसद है, उन्होंने विकल्प दिया है भ्रष्टाचार को खत्म करने का। अब उनको कोई ना कोई नया फंडा दिख रहा होगा रोड पे लाने का गरीबों को। और दूसरा, ये नोट बंद कर दिया जाएगा तो जो शेष बचा हुआ काला धन है वो किसी न किसी तरीके बैन हो जाएगा। पहले क्या था कि नोटबंदी जब नहीं हुई थी तो जो प्रॉपर्टी लेता था तो वो 100% ये होता था कैश पे हो जाता था सौदा। आज क्या है कि जिससे भी सौदा करो तो वो कहता है नहीं, मुझे नंबर एक में ही पेमेंट चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूँ आपके साथ निशा लकवाल। देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी कभी चुनाव होते हैं, कहीं भी चुनाव होते हैं, तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर जो है वो सामने आता है। सत्र चल रहा है और इसमें जो है भाजपा के सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि जो 2000 के नोट हैं उनको बंद कर देना चाहिए अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। तो ये मुद्दा है, अब इस पर जनता की क्या राय है ये जानना तो बनता ही है। सर, सबसे पहले आपसे जानूंगी, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। सर, ये जो मुद्दा उठाया गया है 2000 के नोट का और भ्रष्टाचार को इससे जोड़ा गया है कि अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो 2000 के नोट जो है उन्हें बंद करना होगा, कितना सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमत रखता हूँ, बड़े नोटों की मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डिजिटल करेंसी चल रही है और जहाँ भी आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ें हैं तो वो छोटे नोट से हो जाती हैं। कहीं आपको भोजन करना है या पेट्रोल डलाना है, बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, बड़ा नोट मार्केट से बिल्कुल गायब है, क्योंकि जब ये 2000 के नोट छपे थे तो उस समय 4 लाख करोड़ नोट छपे थे। मार्केट में देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद उसका 25% भी नहीं होगा इस समय मार्केट में। तो स्वाभाविक से है, जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है इसके लिए उसको बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि 2000 के नोट से ही भ्रष्टाचारी हो रही है? ऐसा निकल के कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो ये चीज़ बोल रहे हैं? ये ऐसा है कि जिन लोगों के पास ये नोट पहुँच गया है वो ऑलरेडी मार्केट में रोटेट नहीं हो रही है। रकम रोटेट ना होने से कहीं ना कहीं वो जमा पूंजी इकट्ठा है। अगर ये नोट बंद कर दिया जाएगा तो जो शेष बचा हुआ काला धन है वो किसी ना किसी तरीके बैन हो जाएगा। नोटबंदी जब हुई थी तब बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल कर आई थी, काला धन वापस आएगा ऐसी बातें कही गई थी और नोटबंदी की गई थी, 2000 और 500 के नए नोटों को लाया गया था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या उससे भ्रष्टाचार जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है या उस पर रोक लग रही है? रोक तो लगेगी जी। नोट तो, ये बड़ा नोट तो बंद होना चाहिए जी। क्यों बंद होना चाहिए? इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं मार्केट में। अच्छा। और वैसे ये बहुत कम दिखता है अब, 2000 का नोट लगभग सब धीरे धीरे बंद है। धीरे धीरे मतलब जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने जो बात कही है उससे आप सहमति रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये नोट जो है ये एक जरिया है भ्रष्टाचार का सबसे बड़े? जी। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? संजीव शुक्ला। वो जो कह रहे हैं उसमें भी कुछ उनकी सोचना अच्छा है कि बड़ी नोटें खत्म हो जाएंगी तो भ्रष्टाचार कुछ तो कम हो ही जाएगा, कुछ तो रिकवर हो जाएगा। सब बड़ा नोट जो है वो आम जनता के लिए कहीं ना, पहली बात तो देखने को नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात, और अगर वो किसी के पास होता भी तो है तो क्या क्या दिक्कतें जो है वो उसको, जितने भी उद्योगपति बड़े बड़े हैं वो लोग सब डंप कर लिए। अच्छा। या नेता लोग डंप कर लिए हैं, इसलिए उसको बंद होना ठीक है। जी, तो आपको लगता है कि जो बात उठी है उसको, उस पर सरकार कहीं ना कहीं अमल करेगी? करना चाहिए, करना चाहिए। हम भाई, सरकार तो है नहीं, सरकार वही है। सर, भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगेगी? एक जरिया तो 2000 के नोट का हो गया है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तमाम चीज़ें हैं, वैसे तो ये 2000 के नोट सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी गड्डी आदमी जेब में डालिए समझ नहीं पाते हैं। और ये वही है, तो पैसा होगा तो वो गठरी में हमको लेके जाना पड़ेगा, सर पे रोक ले रहे हैं, इसलिए तो उसको कन्वर्ट करें तो सिक्के में, वैसे तो बंद हो जाए तो बेहतर है, नहीं हो तो सिक्के हो जाते, इतने सिक्के बोरी भर के लेके जाना पड़ेगा। एक चीज़ और ये समझ देखने को मिल रही थी कि 2000 के नोट जब से आए तब से 1-2 लाख, 3 लाख रुपए लोग आराम से जेब में ले जाते, आराम से ले जाते, तो उसको सिक्के में कन्वर्ट कर दें तो हमको बोरी में लेके, बोरी व्यवस्था सर पे लोट के लेके चलना पड़ेगा। सिक्के मतलब नोट नहीं, नोट नहीं, सिक्के हो कर दें। हाँ, सिक्के। क्या लग रहा है आपको कि अगर ये बंद हो जाता है तो कितना भ्रष्टाचार जो है वो नहीं कम, इस मेरे को कम हो जाएगा? कभी एक हज़ार नोट था, देखिए मैदान पे आया सारा, आया तमाम लोग आए, अब इसके बाद 2000 चालू को, 2000 तो और बेहतर हो गया। जो आदमी 1 लाख लेके चल सकता, जो 2 लाख लेके एक गड्डी में डाल लिया। अच्छा, तो जब नोटबंदी के टाइम पे जब आए थे तब आप क्या, आपने ये चीज मतलब ऐसा कोई आवाज़ उठाई थी कि नहीं नहीं आने चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, वो तो मानी जी ने पहले ही कह दिया ना कि 2000 का नोट हम लाने जा रहे हैं, 500 का दूसरा नया नोट लाने जा रहे हैं, तो इसलिए जो मानी जी का जो आदेश था वो तो पालन आया, तो हुआ।
सर आपसे एक सवाल और लूँगी कि जब नोटबंदी के टाइम में जो नोट आए थे 2000 और 500 के नोट आए थे, तब कहा गया था कि भ्रष्टाचार एक तरीके से इससे ख़त्म हो जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी काफ़ी, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिन बीते हैं, महीने बीते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और आप वही विकल्प संसद तक भी पहुँच गया है। ये मैडम आपका मानना है, क्योंकि मैं खुश उसी से गुजर रहा हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ और कहीं ना कहीं नोटबंदी से बड़े व्यापारी को दिक्कत हुई है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी लेना हो तो मान के चलिए कि नंबर एक की पूंजी से ही प्रॉपर्टी ली जा रही है, नंबर दो का कोई भी आदमी पैसा लेना ही नहीं चाह रहा। अच्छा। पहले क्या था कि नोटबंदी जब नहीं हुई थी तो जो प्रॉपर्टी लेता था तो वो 100% ये होता था कैश पे हो जाता था सौदा। आज क्या है कि जिससे भी सौदा करो तो वो कहता है नहीं मुझे नंबर एक में ही पेमेंट चाहिए। अच्छा। चेक या फिर ऑनलाइन या ऑनलाइन पेमेंट दे दीजिए या डीडी बनवा दीजिए, ये सारी सुविधाएँ होने से ये है भ्रष्टाचार, ये तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरा पूर्णतया खत्म हुआ है। ये नोटबंदी जब होगी तो ऑटोमेटिक जिनके पास है या तो वो जलाएंगे और या कहीं ना कहीं उसको रोटेट करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि फिर से नोटबंदी होनी चाहिए, एक बार लोगों को लाइन में लगना चाहिए। 2000 का नोट बंद होना चाहिए। मैं नोटबंदी के नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2000 का नोट बंद होना चाहिए, केवल 2000 का। बड़े नोट की जरूरत मार्केट में नहीं है और ना ही आपको दिख रहा होगा। तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों ने डम कर लिया है, अगर अंदाजतन बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको, अगर ये काउंटिंग हो और कहें कि 2000 का नोट, जैसे आज शाम को 8 बजे 2000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कितनी संख्या में, कितने काउंटिंग अगर किया जाए तो कितनी संख्या में निकल कर बाहर आएंगे, कोई अंदाजा? 4 लाख करोड़ था संभवता, मान के चलिए 3 लाख करोड़ तो डंप हो चुका है, 1 लाख करोड़ आ जाना चाहिए वापस। अच्छा, यानी कि अंदाजतन भी जो है वो काफ़ी बड़ी रकम निकल के सामने। 1 लाख करोड़ तक मार्केट में रोटेट हो जाना चाहिए अगर ये कहा जाएगा कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया, लेकिन 3 लाख करोड़ का नोट तब भी मार्केट में नहीं आएगा। भैया आपको क्या लगता है देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? भ्रष्टाचार का तो कोई पता नहीं, हम तो मेहनती आदमी है। अच्छा। हम तो ये जानते कि मेहनत करके कमाना है हमने। अच्छा। ईमानदारी का कमाना है। 2000 का नोट आपने कब से नहीं देखा? 2000 का नोट कहाँ देखेंगे मैम, हमारी इतनी सैलरी नहीं दो। अच्छा। हम कहाँ से देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 2000 का नोट बंद हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, पता नहीं ये तो मतलब ऊपर वाले भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो 2000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैम हमें तो इस 2000 का मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकते हम, उसमें क्या बोलेंगे मैम हम 2000 का बंद। आपको क्या लगता है कि बड़ा नोट है तो भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है कि कम? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नोट तो नोट है ना, 2000 का हो या 500 का हो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा, मतलब 500 के अगर आप गड्डी लेके जाएंगे 2 लाख रुपए तो वो दिखेंगे, 2000 के 2 लाख रुपए लेकर जाएंगे तो क्या वो दिखेंगे? वो तो नेचुरली ऐसा है कि 500 और 2000 में फर्क तो है, 1500 का फर्क है, वो तो मैक्सिमम। तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार कम होगा या नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है मैम कि 2000 का नोट खत्म हो जाए और भ्रष्टाचार कम होगा, ऐसा तो मतलब नहीं बनता। अंकल क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश। 2000 का नोट देखे कितना टाइम हो गया? काफी दिन हो गया, काफी दिन हो गया। अच्छा ये बताइए, भाजपा के एक सांसद है सुशील मोदी, उनका कहना है कि अगर देश में से भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो 2000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? भाई जैसे मैंने तो आज तक नोट देखा ही नहीं है। अच्छा। अभी कभी आया भी होगा हाथ में तो खुला ही करवाया उसको मैंने, कभी चलाया नहीं मैंने अभी। तो नहीं आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा अगर 2000 के नोट? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करने वाले भ्रष्टाचार तो करेंगे करेंगे। तो कैसे कैसे कम होगा इसको कुछ मतलब कि ये तो सरकार जाने। अच्छा। सरकार जैसे अपने उसके ऊपर करेगी डिपेंड तब होगा ये। अच्छा। वैसे तो होगा नहीं। अच्छा, नोट को बंद करने से या चालू करने से भ्रष्टाचार पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहिए ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे कम होगा भ्रष्टाचार देश से? अब ये तो बड़े बड़े लीडर है जो वही करेंगे। अच्छा। हम छोटे आदमी कहाँ कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा अंकल ये बताओ, जब भी कभी सत्र चलता है तो कोई ना कोई बात ऐसी निकल कर सामने आती है जिसपे जनता की राय लेना बनता है। आप भी एक जनता है, आम जनता है, वोट देते हैं, सरकार को चुनते हैं, आपके हिसाब से देश में भ्रष्टाचार है या नहीं, सबसे पहला सवाल? वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा हिंदुस्तान से। अच्छा। खत्म नहीं होगा वो तो, मानो ब्लड में ऐसे बसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को भी जो है अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा नहीं होता है, वो जो है 75% आदमी या 80% ये सोचता है ऊपर की कमाई कहाँ से है। लेकिन भाजपा के एक सांसद है, उन्होंने विकल्प दिया है भ्रष्टाचार को खत्म करने का कि अगर 2000 के नोट बंद हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार पे रोक लग जाएगी, कम हो जाएगा। नहीं, पहले जो उन्होंने नोटबंदी की थी उससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? उससे खत्म हो गया क्या? इसमें कुछ नहीं है जी, जिनके पास
कमरे भरे हुए हैं, 2000 के नोटों की गड्डियां हैं, उनके अपने आप बैंक के घर में ही जाके चेंज कर देंगे, और जो गरीब का पैसा जो किसी के पास थोड़ा रखा हुआ है वो दोबारा सरकारी खाते में पहुंच जाएगा। तो अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब उनको कोई ना कोई नया फंडा दिख रहा होगा रोड पे लाने का गरीबों को, और दूसरा अच्छा। और उसके अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि जो मध्यम वर्ग है या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सिर्फ परेशान करना है। हाँ, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर नोट बंद हो या ना भी हो 2000 का नोट, तो इससे भ्रष्टाचार पर कोई असर? कोई असर नहीं पड़ेगा जी, भ्रष्टाचार से इससे क्या मतलब खत्म थोड़ी हो जाएगा। जब आदमी की जब ब्लड में वो चीज घुसी हुई है तो वो चीज थोड़ी खत्म हो जाएगा। किसी भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए, मानो बिना भ्रष्टाचार के गलत के तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके हिसाब से फिर क्या क्या विकल्प है कि इस पे रोक लगे? सत्ता में जो बैठे हैं ये जो कर ले वो ही सही है। अच्छा। जो मानो जिसके हाथ में डंडा है वो जिधर घुमा ले वो ही ठीक है। अच्छा। पब्लिक को तो उधर ही चलना है, गरीब आदमी को क्या करना है? जो पहले हुआ था लाइन में लग के जो था गरीब के पास वो खाते में पहुंच गया, अब जो बचा है तो जो भी होगा डर के मारे बेचारा वो खाते में पहुंच जाएगा, गरीब तो नंगा का नंगा ही रहना है उसने। देश में अगर काला धन खत्म करना है तो जो 2000 के नोट हैं उसे बंद कर देना चाहिए, ये विकल्प दिया है भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने। अब इस पे जनता की क्या राय थी ये हम जान चुके हैं। अब काला धन जो है वो भ्रष्टाचार का ही एक रूप होता है, तो जनता से हमने जाना है कि आखिर भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। अगर 2000 के नोटों को बंद कर दिया जाएगा तो क्या भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? देश में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? ये तमाम सवाल आज हमने जनता से पूछे थे, तो जनता के क्या जवाब है वो आप इस वीडियो में देख चुके हैं। और जो बातें जनता ने कही हैं क्या उस पर क्या वो उससे आप लोग कितना सहमत हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो काला धन है ये कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि 2000 के नोट एक बड़ा विकल्प जो है वो निकल कर सामने आ रहा है काले धन को लेकर, क्योंकि बड़ा नोट है मार्केट में कम देखने को मिल रहा है। जनता ने साफ तौर पर कहा है कि मार्केट में बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं उन्होंने अपने पास सेव किए हुए हैं। अब सवाल निकल कर यही आता है कि क्या 2000 के नोट का जो मांग अब उठी है, क्या अब आने वाले समय में के 2000 के नोट भी जो है वो बंद होंगे? क्या फिर से हमें वही दौर जो हमने देखा था नोटबंदी का, क्या वही फिर से देखने को मिलेगा? ये एक सवाल है, या कहें कि एक जनता के मन में कश्मकश है कि आखिर ये चीज़ें होंगी या नहीं, क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ये सच में एक सवाल है, यहाँ तक कि ATM से भी जो है वो 2000 के नोट नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ 500 के नोट निकल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसके पीछे, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ यही था काला धन और भ्रष्टाचार कैसे कम होगा देश में, क्या 2000 के नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन जो है वो कम हो जाएगा, जिन लोगों ने अपने पास सेव की कर करके रखे हुए हैं क्या वो लोग जो है वो अपने पास जिन्होंने सेव किया हैं क्या वो बाहर निकाल देंगे 2000 के नोटों को? बहुत से सवाल हैं, जनता से आज यही सब पूछा गया था। जनता की क्या राय है आप इस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आपकी क्या राय है ये हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहेंगे। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।